सलाम मौलवी साहब। सोचते हैं कुछ ईंट ले जाएं, हमरो मंदिर बन जाए, बेकार पड़ी है, ले लो। चलो चलो। वो शख्स हमारी मस्जिद की ईंटें उठा के ले जा रहा। अरे मियां, वहां भी तो मंदिर बन रहा है। अरे मियां, ये अकबर का जमाना भी क्या जमाना है, कदम कदम पर मंदिर, जगह जगह बुतखाने। अरे भाई, अजान हो चुकी है, पहले आप नमाज पढ़ लीजिए, फिर बहस कीजिए। नमाज बाद में पढ़ लेंगे, पहले मस्जिद की हिफाजत तो की जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, अपने घर की हिफाजत वो कर लेगा। चलो जल्दी चलो, नमाज का वक्त हो गया। ये आदमी बकवास करता है, हम तो कभी कभी मस्जिद आते हैं, लेकिन अल्लाह के घर पर आ जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखते क्या हो, दौड़ो पकड़ो उसे। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला अलै सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्ली। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله। आदिल ने उसके साथियों ने मिलकर हंगामा कर दिया, पंडित को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया, उसकी जान खतरे में है। अरे भाई अब क्या होगा? अजी होगा क्या, पंडित मर जाएगा और क्या। अजी मरता है तो मर जाने दो, हम मस्जिद की ईंटों से बतखाना नहीं बनने देंगे। आप बहुत जज्बाती हैं जनाब, ईंट पत्थर और इंसान में बहुत फर्क होता है। ईंटें भी इंसान ही बनाता है, उन पर किसी का नाम लिखा नहीं होता। उन्हीं ईंटों से मस्जिद भी बनती है, बतखाना भी और मैखाना भी। अकबर के रंग में रंग गए हो, चुप हो जाओ वरना चेहरा बदरंग हो जाएगा।
चलो। हमें सम्राट से मिलना है। किस सिलसिले में मिलना है? हमारे ऊपर अत्याचार हुए है, सुल्फ हुआ है। कुछ लोगों ने हमारे पिता दयाशंकर को बार बार कर पूरी तरह जख्मी कर दिया है। हम सम्राट को अपनी विपता सुनाने आए हैं। मंदिर और मस्जिद की ईंटों के नाम पर इंसानियत के दुश्मनों ने हमारे पंडित भाई को जख्मी कर दिया है। हम शहंशाह से मिलकर हमारे ऊपर जुल्म का फरियाद करने आए हैं। खुदा के वास्ते हमें आलम पनाह से मिलवा दीजिए। आप सब इत्मीनान रखिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और आपका यह पैगाम हम अभी आलम पनाह तक पहुंचाते हैं। सल्तनत मुगलिया के ताजदार, हिंदू मुस्लिम एकता के आरंभदार, मुंसिफ दौरा, हाकिम हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार आम में तशरीफ ला रहे हैं। कार्रवाई का आगाज हो। गुस्ताखी माफ आलमपना। ब्राह्मण ने मस्जिद की ईंटें उठाकर मंदिर में लगाने की कोशिश की थी। आलमपना, यह हमारे मजहब के साथ सरासर मजाक है। मस्जिद आखिर मस्जिद है और पुतखाना पुतखाना है। मां बदौलत खुद ब्राह्मण के घर वालों की बातें सुनना चाहते हैं। सम्राट की जय हो, महाराज की जय हो। बयान किया जाए, मां बदौलत की हुकूमत में तुम्हें तकलीफ कैसे पहुंची? सम्राट के न्याय का सूरज सदैव चमकता रहे। हमें विश्वास था कि सम्राट के राज में हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित हैं। मगर महाराज, हमारी पीड़ा यह है कि आज हमारे विश्वास को ठेस पहुंची। बिना खौफ बैन किया जाए, हमारी रियाया हमारा कुनबा है। माँ बदौलत इंसाफ के तराजू के अमानतदार हैं। सम्राट, हमारे पिता एक छोटा सा मंदिर बना रहे थे। रहीम चाचा ने सुझाव दिया कि सामने के मोहल्ले में मस्जिद बन चुकी है, वहां बहुत सारा सामान भी बच गया है, क्यों ना वहीं से कुछ ईंटें लेकर मंदिर की दीवारें बना दी। पिताजी ने मौलवी साहब से भी पूछ लिया था, आखिर मंदिर हो या मस्जिद, नाम तो दोनों ही जगह ऊपर वाले का ही लिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है सम्राट कि हम राम कहते हैं और आप रहीम। इस नौजवान की बातों में बड़ा दर्द है। इसे हमारे इंसाफ पर कितना भरोसा है। इसने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। किसी और को कुछ कहना है? मां बदौलत सब किस रहेंगे। जान की अमान आलमपना,
मस्जिद की ईंटें बुत खाने में कैसे लग सकती है? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो बुत पूछते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही खुदा के बंदे हैं आलमपना। कोई पूजा करता है तो कोई नमाज पढ़ता है, कोई तवाफ करता है तो कोई परिक्रमा। किसी के लिए आबे जमजम है और किसी के लिए गंगा जल। उस्ताद माफ आलमपना, मजहब के कुछ तकाजे हैं और शरीयत की कुछ हद होती है, हमें उसी हद में रहना चाहिए। आलमपना, मजहब को आप जिस तरह से देखें बिल्कुल साफ उसी तरह से दिखाई देता है जिस तरह की खुदावंद करीम का कुरान करीम में इरशाद है कि बंदा इबादत करते वक्त अगर अपना मुंह मगरिब से मशरिक जनूब से शुमाल की तरफ करे तो अल्लाह उसे कभी नहीं देखता, बल्कि अल्लाह सिर्फ बंदे की नियतों को देखता है। आलमपना, पंडित जी ईंटें हमारी इजाजत से ले गए थे, गुस्से में हम लोग कुरान की असल तालीम को भूल गए। कुरान किताब रहमत है, इसीलिए तो हमारे रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं। वो सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं, तमाम आलम के रसूल हैं। महाराज, सेवक भी कुछ कहने की आज्ञा चाहता है। जरूर, बयान किया जाए जो कुछ भी दिल में हो। सम्राट, हम लोग भी हर साल अजमेर जाते हैं और वहाँ एक ही जगह से फूल खरीद कर मजार पर भी चढ़ाते हैं और अपने देवता के चरणों में भी। क्षमा करना महाराज, जब उन्हीं फूलों की चादर ख्वाजा के मजार पर चढ़ सकती है और वही फूल हमारे देवता भी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर क्या कारण है कि हम मस्जिद की ईंटें मंदिर में नहीं लगा सकते? गुस्ताखी माफ आलमपना, इस रवादारी के धारे में बहुत कुछ बह जाएगा। बेशक हम अदल के रास्ते पर चलेंगे लेकिन अपने उसूल नहीं तोड़ सकते। आप अपने उसूल नहीं मगर अपने दिलों की फूल तोड़ सकते हैं। आपकी जबान पर अदल की गुफ्तगू है मगर आपका रास्ता कत्ल गारतगरी का रास्ता है। आपका दलील देने का ये शौक एक इंसान की जान ले लेगा, आखिर उसके भी कुछ अरमान है, खुदा तक पहुंचने का उसका भी अपना एक रास्ता है। मां बदौलत ने आप लोगों की दलीलों को बात गौर से सुना। मां बदौलत को आज दादा जान बाबर आजम की वो वसीहत याद आ रही है जो उन्होंने मां बदौलत के मरहूम वालिद जन्नत आशियानी शाह हुमायूं को जिंदगी के आखिरी लम्हों में लिखवाई थी। दादा जान ने फरमाया था, अगर इस मुल्क में हुकूमत करनी है तो तुम्हें अपने हिंदू रियाया के जज्बात का एहतराम करना होगा। मस्जिद से मोहब्बत और मंदिर की इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। देखो किसी बुत खाने को कोई नुकसान न पहुंचे, रिया के मन को जीतो, पुजारियों के दिल में घर बनाओ। इस मुल्क में जिन जानवरों का एहतराम है उसमें कोई कमी न हो। सत्य है सम्राट, सत्य है। आप तो महान मानव हैं सम्राट, महान मानव हैं आप। बेशक ब्राह्मण ने मस्जिद से ईंटें उठाकर मंदिर में लगाने की कोशिश की लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। एक मुकद्दस इमारत की ईंटें दूसरी मुकद्दस इमारत में ही लगी। ब्राह्मण ने आपकी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप खुदा का घर बनाते हैं तो वो भगवान का, खुदा या भगवान कोई सामान नहीं जिसे बांटा जा सकता है। खुदा अगर एक है तो इंसानियत भी एक है। मां बदौलत मजहब के नाम पर इंसानियत का बंटवारा होने की इजाजत नहीं देंगे। इसी मिट्टी के ईंटों से ही काबा भी बना है और काशी भी। ईंटों और पत्थरों के नाम पर इंसानी जानों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। क्या बदकिस्मती है कि ईंटों के नाम पर इंसानी लाशें उठाने के हालात पैदा हो गए हैं। महाबदौलत
मन से नहीं देख सकते। मां बदौलत नफरत की आग को फैलाने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। हम इस मुल्क की जमीन पर ही नहीं, रियाया के दिलों पर भी हुकूमत करना चाहते हैं। हम अल्लाह से आगा हैं और राम के नाम से हमारे दिल को आराम मिलता है। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। यह हमारा हुक्म है कि जल्द से जल्द मुलजिमों का पता लगाया जाए। बा बदौलत उन्हें सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं और आज ही ये ऐलान किया जाए कि बा बदौलत की हुकूमत में नमाजी और पुजारी दोनों महफूज हैं, मस्जिद और मंदिर बा बदौलत की दोनों आंखें हैं। राम राम दीनू काका। राम राम बिटुआ, राम राम। काका अपनी फसल तो बहुत बढ़िया भई है, देखा ऐसा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आता है। हाँ बिटुआ, जब किसान का लाल लाल खून पसीना बनकर धरती की छाती पर टपकत है तो धरती मैया खुश हो जाती है और फिर अपने दोनों हाथों से हरियाली लुटावे लगती है। एक बढ़िया फसल के पीछे चिलचिलाती धूप मां झुलसना और कड़कड़ाते जाड़े मां ठिठुरना और बरखा में भीगे की बहुत लंबी कहानी होती है। पर काका, जब किसान की फसल तैयार हो जाता है ना, तब किसान अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। नहीं तो सर्वनाश हो जाए। काहे काका? अरे पगले, जब सेना के हाथी घोड़े खेतों को रौंदत भी इधर से जाई है तो फसलों का सत्यानाश हो जाए। हमरी तो सारी मेहनत माटी में मिल जाए। हम ऐसा नहीं आमदेव काका, हम अभी जात हैं और उस सैनिकों को रोकत हैं, अभी जात हैं। अरे रुक जा करमू, अरे रुक जा करमू, रुक जा। अरे तू काहे अपनी जान संकट में डाला था भाई, तू अकेला उस सेना को कैसे रोके रे? अरे लोगो सुनो, अरे दौड़ो लोगो दौड़ो, देखो देखो करमू का पगलपन करे जात है। अरे उका समझाओ, उका तरीक समझाओ भैया। अरे उस सेना की सिपाही उका मार डाली है रे, उस सेना की सिपाही उका मार डाली है। उका रोको, उका रोको भैया, उका रोको, उका रोको भाई, उका रोको।